मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं अपने ऑफिस से नहीं बल्कि अपनी गाड़ी से वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज एक गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूं जो कि है किया कैरेंस। तो चलते हैं शोरूम और करते हैं रिव्यू शुरू। तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, उस वेरिएंट का आज करेंगे रिव्यू, टॉप मॉडल है। तो चलते हैं किया के शोरूम में। और ये किया कैरेंस का ऑटो यानी कि टॉप मॉडल है। कैरेंस और ये किया कैरेंस का टॉप मॉडल है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, यहाँ पैडल शिफ्टर्स भी दे रखे हैं, स्क्रीन है और ये बीच में सेंटर कंसोल ऐसा है कुछ इसका। ऑटोमेटिक है ये गाड़ी। और ये एसी, रियर, फ्रंट, ये सब एसी के सिस्टम, ये स्क्रीन, ये बीच में अच्छा कंपार्टमेंट है। काफ़ी डीप तो नहीं है, सेल्टोस नहीं, डीप है एक्चुअली। यहाँ एक इन्होंने ट्रे टाइप रख रखी है, इट्स डीप। मुझे लगा पहले डीप नहीं है, बट डीप है। यहाँ पर ग्लास होल्डर्स हैं। और अब चलते, ये ठीक है, अच्छे साइज का ग्लव बॉक्स है। साइड में पावर विंडो, क्रोम फिनिश है यहाँ पर। ये ड्यूल टोन में है जो कैबिन है फ्रंट में। और यहाँ पर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, पुश स्टार्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल का ये बटन है, ये पुश स्टार्ट हो गया। ये लाइटिंग सिस्टम, ये यहाँ पर आप सारे बटन देख सकते हो। यहाँ भी ड्यूल टोन है। पैडल शिफ्टर्स प्लास्टिक के हैं पर ठीक है, नॉट बैड। और अब चलते हैं पीछे। ये PR&DS जो नॉर्मल आपके ऑटोमेटिक गाड़ियों में आते हैं। और ये पार्किंग, ड्राइव मोड्स और हिल असिस्ट, सारे फंक्शन है। USB 12V चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर भी रखने की जगह है। स्क्रीन काफ़ी अच्छी है इसकी। और ये ऊपर की तरफ लाइटिंग का ऑप्शन है जो पीछे और वहाँ पीछे आप देख सकते हो। पूरी तीन लाइटिंग सिस्टम्स है इसमें। और ये आप यहाँ अपने ग्लासेस रख सकते हो। और ये एयर प्यूरीफायर और स्मार्ट प्योर एयर का लगा हुआ है। बीच में भी यहाँ AC के कंट्रोल्स हैं और यहाँ पर भी आप कुछ अपना रख सकते हो। और साइड की जो रखने की जगह है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्पेशियस है। तो यहाँ आप बॉटल्स काफ़ी सारे रख सकते हो। और काफ़ी क्रोम फिनिश की वजह से काफ़ी गाड़ी प्रीमियम लग रही है। लेग स्पेस, गाड़ी की सीट बिल्कुल पीछे है। मैं 5'8" हूँ फॉर रेफरेंस, तो भी काफ़ी स्पेस है। हेडरूम के हिसाब से भी आप देख सकते हो, मैं 5'8" और मेरी हाइट है और काफ़ी स्पेस है। अभी भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो AC वेंट्स ऊपर की तरफ दे रखे हैं और सर्कुलर हैं। और ये टॉप वेरिएंट है, यहाँ पीछे की तरफ है। और ये सीट्स यहाँ फोल्ड हो रखी है, नहीं तो अब मैं इसको दिखाऊंगा। यहाँ है, यहाँ पे लाइटिंग का ऑप्शन है और बाकी बूट स्पेस सब मैं आपको बताऊँगा। काफ़ी प्रीमियम कार है। और ये ट्रे है, यहाँ पर एयर प्यूरीफायर है और यहाँ ट्रे है। गाड़ी में अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है पर ठीक है अंडर थाई सपोर्ट। और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। फ्रंट का मैं लुक फिर से दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ डैश का लेआउट है इसमें। क्योंकि ये टॉप मॉडल है सो इट इज़ लोडेड विथ फीचर्स। यहाँ आपके सनवाइजर्स भी हैं और उसके अलावा आपका पैडल शिफ्टर्स हैं। और सामने AC वहाँ अंदर की तरफ माउंटेड है जो बड़ा ही स्टाइलिश लग रहा है। म्यूज़िक सिस्टम इसमें बोस का लगा हुआ है। और डिटेल में मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा आगे की तरफ। आप अपने काफ़ी पेपर्स या कुछ रखना हो, यहाँ पर भी स्पेस जैसे मैंने पहले दिखाई थी। फिर यहाँ पर भी चार्जिंग पोर्ट्स हैं, ये AC कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन हो गया। और ये टंबल सीट्स हैं, अगर मैं इसको ऐसे दबाऊँ तो ये ऐसे टंबल हो जाती है जो इनोवा में भी नहीं होती है, तो इट्स अ गुड फीचर। और ये सीट्स अभी नीचे की तरफ है
तो थर्ड रो में भी काफ़ी स्पेस है, मैं बैठ के दिखाता हूँ। थर्ड रो 5'8" के हिसाब से भी काफ़ी कंफर्टेबल है, पीछे आराम से मैं बैठ पा रहा हूँ और ये पूरा लुक है काफ़ी ईजली। मेरी हाइट है 5'8", मैं फिर से बता रहा हूँ, और काफ़ी ईजली मैं थर्ड रो में भी बैठ पा रहा हूँ, तो भी काफ़ी स्पेस है मेरे पैर के पास, अच्छा खासा अभी भी स्पेस है। और मैं थोड़ा इसको पीछे और कर लूँगा तो और भी स्पेस है, अभी तो मैंने पीछे करी नहीं। और थर्ड रो में भी आपको यहाँ ग्लास होल्डर मिल जाएगा पूरा, आप यहाँ आराम से ग्लास रख सकते हो, फिर एक चार्जिंग पॉट है, और पीछे की तरफ भी आपके सीट बेल्ट्स हैं, ऊपर लाइट है, एसी के वेंट्स हैं प्रॉपर, और पीछे की तरफ वाइपर है, इसको भी कर दें। यहाँ भी म्यूज़िक सिस्टम है, और ये कुछ भी नहीं है, पर यहाँ आप अपना ग्लास रख सकते हो फिर से, ये यूएसबी चार्जिंग पॉट, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। और इसमें आइसोफिक्स सीट्स हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो। फिर से मैं एक बार डैश का लेआउट दिखा रहा हूँ, फ्रंट का लेआउट दिखा रहा हूँ। थर्ड सीट थर्ड रूम में अगर आप बैठो तो थोड़ा सा हेडरूम, अगर मैं बिल्कुल अपराइट पे बैठूँ तो कम है थोड़ा सा सीट्स में। अगर रिक्लाइनिंग का ऑप्शन देखता हूँ इसमें, इसमें कहीं ना कहीं होगा, अगर मैं करके भी देखता हूँ तो भी ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट हाँ अगर मैं थोड़ा सा ये हल्का सा मैंने करा है तो अगर इसके बाद मैं देखता हूँ तो थोड़ी डिसेंट स्पेस है, मतलब थर्ड रो में आप अराउंड 2-3 घंटे बैठ सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है, लेग स्पेस भी काफ़ी है। तो यहाँ पर मिरर्स पे लाइट दे रखी है सिग्नल के लिए, तो यहाँ पर है, एलॉयज भी काफ़ी स्टाइलिश है क्योंकि टॉप मॉडल है। और डोर की ओपनिंग के लिए आपको ऐसे यहाँ क्लिक करना होगा इस पर हल्का सा, और डोर खुल जाएगा, चाबी से भी आप कर सकते हैं ऐसे, आपको दबा के ईजली खुल जाएगा। और बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डीप है, यहाँ पर भी एक लाइट दे रखी है, और थर्ड रो पूरा ऊपर होने के बाद भी यहाँ काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है। एग्जैक्ट डिमेंशंस मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, और ऐसा कुछ पूरी गाड़ी दिख रही है। पीछे की तरफ भी यहाँ क्रोम में फिनिशिंग करी हुई है, और ये पार्किंग सेंसर्स ऑटो, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। यहाँ पर भी ड्यूल फिनिश की वजह से बहुत ही अच्छा लुक मिल रहा है गाड़ी को, और ये जो टचेस हैं बटन्स के बड़े स्टाइलिश हैं, बड़े स्लीक्स हैं, और एसी इसमें यहाँ अंदर की तरफ है इंटीग्रेटेड, और वो एक बहुत ही नई चीज़ है जो मैंने देखी है। और इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सब फंक्शंस मिल जाएंगे, ये मीडिया के कंट्रोल्स हैं, सेटअप, मीडिया, रेडियो, सीक और ट्रैक, नेविगेशन, काफ़ी अच्छे स्विचेस हैं। और यहाँ आपको ग्लास होल्डर भी मिलता है, एक बड़ा ही अच्छा सा ग्लास होल्डर है, यहाँ काफ़ी स्पेस आप रख सकते हो, काफ़ी ग्लासेस आ सकते हैं या काफ़ी चीज़ें आप रख सकते हो, यहाँ पर बॉटल्स रख सकते हो। और ये सेंटर कंसोल है, मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार, पार्किंग असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइव मोड्स सब है इसमें। और ये कैरेंस का स्टेयरिंग व्हील है, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल इसमें, बड़ा स्टाइलिश है, क्रोम फिनिश के साथ आया हुआ है। अब चलते हैं घर और मैं आपको इसके और डिमेंशंस की बात करता हूँ। तो आप लोग ने शोरूम में किया कैरेंस देख ली होगी, और मैंने पूरा आपको अंदर से और सब दिखाया, अब कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंजन की, तो इंजन जो है वो 1.5 लीटर डीजल CRDI इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है राउंड अबाउट 113 BHP और 250 Nm का टॉर्क। अब मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊँगा, गाड़ी चलने में कैसी है, तो मैंने चला के देखी, वो मैंने वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उस समय पे मैं ड्राइव करता हूँ, मेरे साथ कोई और था नहीं हेल्प करने के लिए। बट आप लोगों को जैसे पता होगा कि मैंने कई गाड़ियाँ चलाकर रिव्यू करी हैं, तो उस बेसिस पे आप मेरे नॉलेज के बेसिस पे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए, ब्रेकिंग गाड़ी की अच्छी नहीं है, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, ब्रेकिंग अच्छी नहीं है। बट आप अगर आप बात करते हो कि गाड़ी का सस्पेंशन कैसा है, सस्पेंशन बहुत ही स्मूथ है, कंप्लायंट है अपने इंडियन रोड्स के हिसाब से। ब्रेकिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती थी जो मैंने महसूस किया। उसके अलावा एक चीज़ जो मैं बात और करना चाहूँगा वो है स्टीयरिंग व्हील का, तो स्टीयरिंग व्हील काफ़ी प्रिसाइज है गाड़ी का। अब एक क्वेश्चन जो इसमें उठता है कि इनोवा XUV 700 और कैरेंस,
या एल्काज अगर हम कंपैरिजन में बात करते हैं तो क्या कौन सी गाड़ी आपको चलाने के बेसिस पे लेनी चाहिए, तो मैं आपको सिंपल बोलूँगा, अगर आपको चलाकर गाड़ी देखनी है तो इनोवा या XUV 700 बेस्ट ऑप्शंस हैं। कई लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि क्या गाड़ी अंडर पार्ट फील करती है, तो देखिए अगर आप इसमें तीन मोड्स हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स, तो मैंने स्पोर्ट्स मोड पर गाड़ी को चलाया और सिटी के अंदर, क्योंकि जहाँ शुरू में उसे थोड़ा सा आगे हाईवे टच हो जाता है जहाँ से मैं वीडियो बना कर आया हूँ, सिटी के अंदर गाड़ी ठीक है, ये 6-speed ऑटोमेटिक वेरिएंट था तो गाड़ी सिटी के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पर जैसे ही मैं हाईवे पे लेके एक चक्कर लगाने के लिए मुझे लग गया गाड़ी अंडर पावर्ड है। वहीं इनोवा बहुत ही पावरफुल कार है और XUV 700 की ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है। अब गाड़ी की कुछ और चीज़ों की बात करते हैं, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, EBD मिल जाता है, आपको उसके साथ ABD का ऑप्शन भी मिलता है, यस ABD भी है इस गाड़ी के अंदर। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि गाड़ी में अगर सातों जने बैठ जाते हैं तो गाड़ी क्या दबती है, तो बिल्कुल दबती है और इसलिए अंडर पावर्ड महसूस होती है, पर अगर आप दो तीन जने जा रहे हैं और आप स्पोर्ट्स मोड पे चला रहे हैं और आपको इतना नहीं महसूस हो रहा है कि आपको ज़्यादा मतलब स्पीड में चलाना है, आपको ज़्यादा अपनी गाड़ी से परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, तो गाड़ी इज़ अमेजिंग और सिटी पर्पज से तो बहुत ही बढ़िया है गाड़ी। अब गाड़ी की कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि इसमें LED हेडलैम्प्स हैं जो टॉप मॉडल मैंने देखा, उसके अलावा 10.25 इंच का आपको सेंटर में स्क्रीन मिलती है और 64 एम्बिएंट लाइटिंग का इसके अंदर ऑप्शन आता है। फ्रंट की जो सीट्स है वो वेंटिलेटेड है, वायरलेस चार्जर है जो मैंने दिखाया था, मैं गलती से उसको भूल गया था कि स्पेस है कुछ रखने के लिए, मुझे लगा शायद बीच में होगा पर वो आगे की तरफ था। उसके अलावा इसमें 8 स्पीकर्स हैं बोस के जो मैंने आपको दिखाए, और म्यूज़िक सिस्टम बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर जो म्यूज़िक सिस्टम है वो इनोवा को बीट करता है, बट XUV 700 का म्यूज़िक सिस्टम अभी भी बेस्ट है। आप तीनों गाड़ी को खड़ा करके खुद सुन लीजिएगा, आपको बिल्कुल रिलाइज हो जाएगा कि अभी भी वो XUV 700 का जो म्यूज़िक सिस्टम है वो सबसे बढ़िया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि गाड़ी की बैक सीट्स की, तो देखिए मुझे गाड़ी की बैक सीट्स पर्सनली इनोवा से बेटर लगी। अगर आप इसके टॉप वेरिएंट की बात करते हो तो उससे आप इनोवा कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो 20 लाख के आसपास का आ रहा है, तो उसके अंदर अगर आप बात करते हो तो ज़रूर से ये इनोवा से बेटर है। पीछे बैठने पे आपको ऊपर की तरफ भी दो AC के वेंट्स मिलते हैं, प्लस साइड में भी काफ़ी सामान आप रख सकते हो और USB पोर्ट है। उसके अलावा गाड़ी में जो ओवरऑल बैक सीट में जो कंफर्ट है, अंडर थाई सपोर्ट बोलो चाहे सीट का कंफर्ट बोलो, वो इनोवा से बेटर है। गाड़ी के अंदर 66 कनेक्टेड आपको टेक्नोलॉजीज मिलेंगी। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं बूट स्पेस की, तो वो 216 लीटर का है और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 200 mm की है। अब मैं कुछ बातें करना चाह रहा था, जैसे कि अभी किया सेल्टोस का अपडेटेड वर्जन आया जिसका मैंने वीडियो बनाया था, तो देखिए उसका जो सस्पेंशन है, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ लगभग एक ही प्राइस रेंज में हैं और किसी को 7-सीटर जमेगी, किसी को सेल्टोस जमेगी। कैरेंस एक MPV है जिसको कुछ लोग RV भी बोल रहे हैं, सेल्टोस एक SUV है। मेरे हिसाब से अगर आप सस्पेंशन की बात करते हो तो सेल्टोस का बहुत अच्छा है कैरेंस से। अब इसका जो अधिकतर जो मॉडल लोग देख रहे हैं वो बेस या बेस से ऊपर वाला देख रहे हैं, जो कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, वो जो वेरिएंट है वो काफ़ी अंडर पावर्ड है, क्योंकि वो सेम प्लेटफॉर्म शेयर करता है किया सेल्टोस से। तो किया सेल्टोस को तो वो गाड़ी, वो इंजन अच्छे से मूव करवा रहा है और आपको प्रॉपर एक SUV की फीलिंग आती है, आपको गाड़ी से अच्छा पावर डिलीवरी मिल रही है, बट वही इंजन जब किया कैरेंस में डाल दिया और 7 लोग बैठाने के बाद वो गाड़ी अंडर पावर्ड लग रही है, और अगर आप उसको चला के देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा इस चीज़ को। 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन जो मैं आज चला कर आया हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि गाड़ी अच्छी है, पर जब आप हाईवे पर चलाएंगे तो आपको लगेगा पावर लैग है, जो टॉर्क किक मार रहा है वो अराउंड 4000 RPM पे अच्छे से किक मारेगा जब आपको लगेगा कि हाँ पावर आ रही है। और उसके अलावा जब सातों सीट्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगी तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि गाड़ी वीक पड़ रही है और कहीं ना कहीं सस्पेंशन जो है वो बहुत कोशिश कर रहा है गाड़ी को कंप्लायंट रखने के लिए, बट 7 जने बैठने के बाद गाड़ी थोड़ी सी मतलब फन टू ड्राइव नहीं रह जाती है, आपको चलाने में थोड़ा मज़ा कम आएगा। वही अगर आप इनोवा की बात करते हैं, क्योंकि जो वेरिएंट मैं दिखा रहा हूँ ये 20 लाख के अराउंड का है,
सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। इसमें अगर आप चाहें तो बहुत सी गाड़ियाँ, इनफैक्ट एल्काज़ार है जो चलने में इससे बेटर है। और अब इसकी कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि ये जो गाड़ी है इसका वेटिंग पीरियड बहुत ही लंबा है, तो क्या आपको वेट करना चाहिए? देखिए, ये गाड़ी जो आ रही है लगभग आपको 13-14 लाख 15 लाख के अंदर आपको, मतलब इसके एक दो वेरिएंट मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि 15 लाख के अंदर इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप इनोवा तक अपना बजट स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं या एक्सयूवी 700 तक स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, देन इट्स अ वेरी गुड व्हीकल। बट अगर आपकी के घर में 4 या 5 जने हैं, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर किया सेल्टोस, क्योंकि देखिए गाड़ी चलाने का मज़ा सेल्टोस के अंदर है। आप जब उसको हाईवे पे लेकर जाओगे या सिटी में चलाओगे तो बहुत मज़ा है। और इसमें क्या आपको ऑटोमेटिक लेनी चाहिए मैनुअल? आई वुड सजेस्ट यू मैनुअल, सो दैट यू कैन मैनेज कि आपको कितना, किस गियर से कितना पावर निकालनी है और किस जगह आपको कितनी पावर डिलीवरी चाहिए, और मैनुअल ही इसका चलाने में मज़ा आएगा। मैंने बहुत लोगों से बात करी है, सेल्समैन से भी करी है, ऑटोमेटिक इज़ गुड बट स्टिल यू फील दैट देयर इज़ लैग इन पावर डिलीवरी, तो वो है। बाकी अगर हम और एस्पेक्ट की बात करते हैं कि 7 जने आराम से बैठ जाएंगे, स्पेशियस तरीके से बिल्कुल बैठ जाएंगे, गाड़ी में 66 कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की आप बात करते हो तो सब कुछ, जैसे मैंने पहले बताया, ESC और सारे हिल डिसेंट कंट्रोल सारे फंक्शंस गाड़ी में डाल रखे हैं, इट्स फुल्ली लोडेड, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, वायरलेस चार्जिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी गुड पैकेज फॉर दोस जिनको गाड़ी से कोई इतना पावर आउटपुट नहीं चाहिए, उनको चाहिए 7 जने अगर फैमिली है बैठ जाए आराम से कहीं पहुँच जाए, खूब सारे फंक्शंस हो लोडेड। जैसे कि इस गाड़ी का AC इज़ फैंटास्टिक, लिटरली फैंटास्टिक। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो उसको एज प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं इसके राइवल्स के साथ, क्या ये टक्कर में जीतेगी? मैं अभी भी मानता हूँ कि इंडियन सेगमेंट को देखते हुए ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और ये ज़रूर है कि जो लोग इनोवा चलाकर इसको चलाएंगे तो उनको ये गाड़ी वीक लगेगी। इनफैक्ट XUV 700 की जो कैबिन है उसको देखने के बाद लगेगा कि यार थोड़ा सा भी किया इसमें काम और कर सकती थी, पर XUV 700 और इनोवा अभी भी चलने में बेस्ट कार्स हैं, उसका ये मुकाबला नहीं कर सकती है। 3 ऑप्शन दे रखे हैं इंजन के, 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल, पर मुझे लगता है कि हर इंजन के साथ भी ये गाड़ी थोड़ी सी वीक है 7 सीटर होने, अगर आप 7 जने बैठा दोगे तो ये मैं टोटल वर्डिक्ट था गाड़ी के बारे में। तो अब आगे के लिए और भी कई वीडियोस आएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा और ऐसे ही मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए, और आपको और वीडियोस मिलते रहेंगे, रिव्यूज़ मिलते रहेंगे।